रब्ते हम नहीं मानते, उम्मीद तेरे रब्ते हम नहीं मानते, कल्पा नहीं मानते हम नहीं मानते, जुल्म के ये रब्ते हम नहीं मानते, कब्र के ये रब्ते हम नहीं मानते, कुछ पर हर दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। आप मुझे बताइएगा, एक्सक्यूज मी मैम, आपने सेमेस्टर फीस नहीं दी? सेमेस्टर फीस पूरी दी है। कितनी फीस है आपकी? फंड्स में दी है। अभी कितनी फीस है? मेरी 6 लाख फीस है यहाँ पर, पूरी दी है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ। मेरे पास पिक्चर्स हैं विद रेक्टर कि मेरे पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है। यहाँ पे मैंने माइग्रेशन करवाई सियालकोट कैंपस से, उसके बाद से ये मिस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ ही ज्यादती कर रही है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हमारे इश्यूज नहीं सुनती। आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, आप आपके ग्रेड्स पे क्या इफेक्ट पड़े हैं? मेरे ग्रेड्स पे ये इफेक्ट पड़ा है कि इन्होंने हमारे लास्ट सेमेस्टर के सारे ग्रेड्स हटा के, हमारे A-A- ग्रेड्स हटा के हमें ऐसे कर दिया, ऐसे शॉर्ट अटेंडेंस कर दिया। किस बेस पे कि आप लोगों की अटेंडेंस पूरी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने एग्जाम्स दिए, हमने मिड्स दिए, हमने फाइनल्स दिए। मिड की पॉलिसी है कि जो मिड में बैठते हैं वो फाइनल में बैठते हैं। हावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने बच्चे को ब्लैकमेल किया और उनके नजेबा वीडियोस वायरल की। हमें ये लोग ना ब्लैकमेल कर सकते हैं ना हरेस कर सकते हैं, हमारी जुबाने हैं, हम बोलेंगे। हमने इन लोगों से पहले डिमांड किया कि लड़कियों ग्रेड चेंज करते हैं। हमने सबसे पहले इनसे टेबल टॉक की है, जो कि डिस्कशन का प्रॉपर तरीका है कि आप बैठ के तमीज से प्यार से टेबल टॉक करो। हमने वो की है, रेक्टर ने हमारी बातें नहीं सुनी, हमें शट अप कॉल दिए रेक्टर ने। उन्होंने हमसे कहा कि आपके जो भी ग्रेड्स थे ये इसीलिए हुई है, HEC की पॉलिसी है, HEC पर डाल देते हैं। HEC को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता। फाइनली क्या चाह रहे हैं आप? फाइनली अपनी डिमांड बताएं। हमारी फाइनली ये डिमांड है कि हमारे जो ग्रेड्स पोर्टल पे अपलोडेड थे वो रिवर्स नहीं हो सकते, इसीलिए हमें वो ग्रेड्स वापस चाहिए। पैसा बनाने यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर ने बात नहीं की, पंजाब पुलिस ने भी बात नहीं की, क्या वजह है? मेरी बात सुने ना, क्यों करेंगे वो बात? क्योंकि ये बड़े अदारों की सुनते हैं, पुलिस वाले हमारे बड़े अदारों के हाथ में है। क्यों वो बड़े हाथ में है? क्यों हमारे पास जब इनके पास जवाब नहीं है? अदारों को गवर्नमेंट ने, ये बड़े लोगों ने हाथ में लिया है, पैसों लेके खरीदा है। सुनने में आ रहा है यहाँ पे पहले 5,000 फाइन किया गया था, फिर 2,000 फाइन कर दिया गया, ये क्या वजह? बेसिकली ये वही हिसाब चल रहा है कि बाजार से कोई चीज लेने जाओ तो जिस तरह पठान बार्गेनिंग करते हैं कि 10,000 की चीज है 500 में ले जाओ, ठीक है, ये वही कर रहे हैं। कल हमने इनके साथ मीटिंग की है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब कह रहे हैं कि हम आपको मोर रिलीज दे देते हैं, लेकिन बेसिकली बात क्या, इनको पैसा चाहिए। इट्स ऑल अ मनी मेकिंग स्कीम। इतने ये हैं तो हमारे ग्रेड्स रिस्टोर करें, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ग्रेड्स लगने के बाद ग्रेड्स दोबारा चेंज कैसे हो सकते हैं? पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी नहीं आती, ठीक है, ये कैसे पॉलिसी के ऊपर दोबारा से पॉलिसी दे सकते हैं हमें? तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ये कहती है कि HEC की वजह से हो रहा सब कुछ, ये सिर्फ बहाना है कि इनका, बेसिकली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इनको बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये अपग्रेड कर देते हैं, कुछ को ऐसे कर देते हैं, ये सिर्फ इनका एक बहाना है कि HEC की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, HEC की इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। HEC कहता है कभी भी सेमेस्टर सिस्टम में कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होते, ये हमें पैसे लेके कह रहे हैं आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दें। मतलब ये जा रहे हैं कि आप पहले जो एग्जाम दिए वैसे ग्रेड चेंज कर दें, एग्जाम भी दोबारा दें और फाइन भी पे करें, एग्जाम भी दोबारा दें और फाइन भी दोबारा दें, ठीक है। उसके अलावा अगर ये फिर हमें अपग्रेड कर देते हैं तो देन हमें 45,000 रुपये दोबारा से पे करना पड़ेगा, ठीक है, पर सब्जेक्ट हमें 45,000 रुपये दोबारा से हर सब्जेक्ट का फाइन पे करना पड़ेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी सिटीज में वापस जा चुके थे, ठीक है, वो बेचारे आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो गई हुई हैं, उनको उन्होंने आगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लिए हैं, कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवाई है, अब वो कैसे अपनी ट्रांसक्रिप्ट वापस लें? तो सुनने में आया सिक्योरिटी की तरफ से कल आपकी मीटिंग भी हुई उनके साथ कुछ पर्सनली? जी हमारी डीन रेक्टर के साथ मीटिंग हुई, देन रेक्टर ने डीन सबको कॉल किया, इसने हमें डीन हॉल में बुला के इन्होंने हमें तस्लील की है हमारी, ठीक है, हमें आगे से बातें सुनाई, हमें शट अप कॉल दी है। जो स्टूडेंट बोलने लगता तो उसे शट अप कॉल देके बिठा देते थे। एट द एंड इन्होंने कहा है कि आप लोगों को मैनर्स नहीं है बात करने के, हम अपनी आवाज़ उठा रहे थे, इन्होंने कहा आपका मैनर्स नहीं है, इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। आपने भी सुना होगा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में 5,500 बच्चियों के नाजेबा वीडियोस देखे हुए हैं, क्या यहाँ पे भी ब्लैकमेलिंग स्कैम? ऑब्वियसली यहाँ पे भी होता होगा, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सब कुछ होता है। ये लोग इनका माँ, इनका बाप, इनका सब कुछ बस पैसा है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी के, इब्राहिम मुराद, वो खुद वजीर बल्दियात हैं, ठीक है, PDM के एक मेंबर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? ये इंसान हमारे मुल्क के बल्दियात के हालात संभालेगा, जिसकी खुद की यूनिवर्सिटी के हालात ये हैं कि यहाँ पानी पानी हुआ होता है, यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होता, ठीक है, ईंटें रख के हमें गुजारते हैं, जिन बेंचेस के ऊपर हम बैठते हैं वही बेंचेस रखते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को क्रॉस करने के लिए। तो अभी तक ये आपको अमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर इनकी तरफ से कोई आपको किया जाता है, कोई लाठीचार्ज वगैरह किया जाता है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? बेसिकली देखें, ये हमें कुछ भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स इन्होंने किया नहीं है। हम कल मीटिंग करके आए, इन्होंने हमें कोई अच्छा
रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने उल्टा हमें शटअप कॉल दी है, हमें गेट आउट का है और निकाल दिया, ठीक है। इन्होंने कहा आपने जो करना है आप कर लो। आप कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे ग्रेड्स रिस्टोर नहीं किए जाते, हमारे ग्रेड्स दोबारा से पोर्टल्स के ऊपर रिस्टोर किए जाएं, ठीक है, तब तक हम इधर ही हैं। अदरवाइज हमें अपना हक मनवाना आता है, ठीक है। वो यार स्टूडेंट्स, वो यार यूथ, ठीक है, ये मुल्क हमारे बगैर कुछ भी नहीं है।